Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta in this very unusual place. In fact, you might think this is either the ashram of a very famous godman or maybe a hall inside a very famous temple. It's neither. It is Leela Chitra Mandir. It is the museum, if I may call it, of India's largest Hindu religious publishing house. Called Gita Press Gorakhpur. It's a publishing house which is a phenomenon. For 93 years now, they've been in existence in Gorakhpur, and they have sketched pretty much the iconography and beliefs and the belief set of conservative Sanatan version or Sanatan view of Hinduism. They have their supporters and they have their many critics. I have today with me to answer some questions Shri Vaidyanath Agrawal ji, trustee of Gita Press Gorakhpur, and Mr. Lalmani Tiwari, manager of the publications division. And Vaidyanath ji, aap to yahan pe 1950 se kaam kar rahe hain. Ji, 1950 se. 67 years you have worked here. Yes. Kitni age thi aapki jab aap yahan pe aaye? 17. So 17 or 67, 84. Yes. So you have given your entire life to this trust. Yes. What is the reason? What is the purpose? हमारे हिंदुज्म के लिए बाकी हमारे पिताजी यही काम करते थे, उन्हीं के इम्प्रेशन में यहाँ आए और इसी जयदयाली गोविंद का के आशय से इन्होंने हमारे को यही रखने के लिए कहा और काम करने के लिए कहा कि गीता प्रेस का काम बहुत अच्छा है, इसी को काम में बढ़ाइए और हिंदू के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी. तो हिंदुओं के लिए क्या अच्छा किया गीता प्रेस ने 93 साल में? सब उनको धर्म शास्त्र जितने भी हैं अपने उनका प्रदर्शन करके सरल भाषा में सबको दिया कि जिसे पढ़ करके उसका फायदा उठा सके. आप क्या सोचते हैं कि हिंदू धर्म को गीता प्रेस गोरखपुर से 93 साल में क्या फायदा हुआ? देखिए, खाली हिंदू धर्म ना कहें बल्कि उसको सनातन धर्म कहें. सनातन धर्म, सनातन धर्म जिसको हम लोगों ने कंजर्वेटिव व्यू कहेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म तो आर्य समाज भी है. जी, हिंदू धर्म हम जो है, जो हमारा ये उद्देश्य है वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है. तो उसमें सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने में सबसे बड़ी एक चीज़ थी कि हमारे लोगों के लिए जो सर्वमान्य ग्रंथ एक श्रीमद् भगवद गीता थी, तो यह उसके प्रचार प्रसार के लिए ये गीता प्रेस की स्थापना की गई कि सभी लोगों को कैसे सरल भाषा में सुलभ हो जाए. तो इसके संस्थापक जयदयाल गोविंदका जी थे जो इसके प्रचार का बीड़ा कलकत्ता में. ही वाज इन कलकत्ता, वो बांकुड़ा में. कलकत्ता, हाँ जी, हाँ वो बांकुड़ा में रहते थे. और उनको लगभग 1922 के आसपास की ये बात है, वो गीता छपवा रहे थे कलकत्ता के एक बणिक प्रेस में. और वो चाहते थे कि हमारा जो संस्करण हो वो शुद्ध छपे. और शुद्ध छापने के लिए बार बार मशीन को, उस समय लेटर प्रेस हुआ करता था, मशीनों के टाइप बदलते थे तो बार बार उनको टाइप बदल के शुद्ध करना पड़ता था. तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि इतना शुद्ध यदि छापना है तो आप अपना प्रेस खोल लीजिए तो आप शुद्ध छाप सकते हैं. तो उन्होंने इस बात को ये सोचा कि ये भागवत प्रेरित बात है. तो उनके मन में ये संकल्प आया कि ठीक है, एक अपना प्रेस हम लोग खोल लें. तो चर्चा के बीच में ये बात आई कि अगर घनश्याम दास जालान गोरखपुर में एक थे, उन्होंने कहा अगर गोरखपुर में कोई प्रेस छपता है, अब खुलता है तो संभाल हम कर देंगे. तो 10 रुपये महीने का किराए का एक मकान लेकर के और थोड़ा सा टाइप खरीद करके और ट्रेडिल मशीन करके और खरीद करके और एक प्रेस की स्थापना शुरू कर दी गई जिसका नाम गीता प्रेस है. ये बात 1923 की है. आपको लगा कि जो कुछ आपने किया उससे हिंदू समाज को बहुत फर्क पड़ा और लोग बहुत बदले हैं? आपके पब्लिकेशंस, खास करके कल्याण जो आपकी एक मैगजीन है निकलती है, मेरे ख्याल 2.5 लाख कॉपी अभी भी निकलती है. 93 साल हो गए, भारत की सबसे पुरानी रेगुलर मैगजीनों में है और कभी बंद नहीं हुई है. और उसके अलावा आपने जो किताबें छापी हैं, करीब 65 करोड़ की किताबें अब तक, लगभग 65 करोड़ से अधिक पुस्तकें हो चुकी हैं. मोर देन 65 करोड़, 650 मिलियन बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड, कॉपीज हैव बीन प्रिंटेड. तो उनसे क्या हिंदू समाज को फर्क पड़ा है? धार्मिक प्रचार हुआ है, हिंदू धर्म का प्रचार हुआ है, सनातन धर्म का. और काफी लोगों में ये देखने में भी आता है कि कुछ भाव भी बदले हैं लोगों के. जी हाँ, लोगों के भाव बदले हैं. लेकिन
आपको लगा कुछ आपके इश्यूज हैं जिनको आप बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं शुरू से, जैसे एक हिंदी का इशू है, एक गौ हत्या का इशू है, तो उनमें कुछ फर्क पड़ा, हिंदी बढ़ी और गौ हत्या घटी? देखिए ये बातें आई थी कि जब कल्याण हमारा छपना शुरू हुआ था तो कल्याण को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखा था, ये बात सुनने में आई है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार हुआ था, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में चाहे हिंदी भाषी चाहे अहिंदी भाषी प्रदेश हो, हमारे कल्याण की मान्यता अधिक है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि लोगों के घरों में जब कल्याण जाता था तो लोग उसको अगरबत्ती जला के उसके बाद पढ़ना शुरू करते थे, ये कही हुई बात सुनी हुई बात मैं कह रहा हूँ, ये गीता प्रेस अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो ये कहना ठीक होगा कि हिंदू धर्म का पिछले 100 साल में एक तरह से रक्षक और प्रसारक कल्याण और गीता प्रेस गोरखपुर रहे हैं? मतलब उसको सनातन धर्म, अगर सनातन धर्म कहे तो अच्छा है जी, सनातन धर्म में खास करके, क्योंकि वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में उसको सनातन का, ठीक है, हालांकि सनातन का सबसे नजदीक कंजर्वेटिव ही होता है, कंजर्वेटिव प्यूरिटेनिकल, हाँ ठीक है, प्यूरिटेनिकल वर्शन ऑफ हिंदुइज्म, सनातन धर्म अगर उसको कहें तो कहीं किसी का विवाद करने का या कुछ विवाद नहीं मिलेगा। तो आप सनातन धर्म, सनातनी है जिसे हम कहते हैं, सनातन धर्मी है, सनातन धर्मी है। लेकिन ये जो बहुत एक डिबेट चलती है दुनिया में, जो हिंदू धर्म में भी काफी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आया, आर्य समाज आया, या जैसे एक तरह से सिखिज्म भी आया, ये सब मूर्ति पूजा से दूर गए, तो आप सोचते हैं कि जो हिंदू धर्म के से जुड़े हुए और ऐसे नए धर्म आए जो मूर्ति पूजा से दूर गए, या जो आर्य समाज ने कहा स्वामी दयानंद ने कि मूर्ति पूजा का कोई फायदा नहीं, ये बेकार है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी अपनी मान्यता है बस। देखिए ऐसा है कि किसी के विचारों पर हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं, वो उनका अपना स्वतंत्र विचार है, मूर्ति पूजा नहीं की जाए या जो भी बात है, लेकिन हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का विधान है, हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान के जो स्वरूप मिलते हैं और उसी के आधार पर हम लोगों ने लिया चित्र मंदिर में ये विभिन्न तरह के स्वरूप तो आप दर्शाए हुए आपने हैं। जो ये द आइकोनोग्राफी दैट यू हैव मेड, जो क्योंकि अब ये सब टेंपल्स वगैरह में खास करके नॉर्थ में अब यही चलती हैं जो आपके वाली जी, और इवन इन पीपल्स होम्स दीज कैलेंडर्स दीज पिक्चर्स दे आर नाउ द पीपल इमेजिन मोस्ट ऑफ आवर प्रोमिनेंट गॉड्स इन द विजुअलाइजेशन दैट कल्याण एंड गीता प्रेस गोरखपुर हैज गिवन देम टुडे मच मोर देन राजा रवि वर्मा। डू यू थिंक दैट दिस इज द मोस्ट, दिस शुड बी द मोस्ट एक्सेप्टेबल इमेज ऑफ गॉड्स, और डू यू नाउ वी सी डिफरेंट इमेजेस इन साउथ एल्सवेयर? नहीं देखिए ऐसा है कि सबसे ज्यादा तो ये स्वीकार हमारे जो चित्र हैं भगवान के जो स्वरूप के और जो उनके आभूषण हैं उनके वस्त्र हैं इसको सबसे अधिक स्वीकार किया गया। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि अब हमको याद नहीं आ रहा है किस मैगजीन में मैंने पढ़ा था, उन्होंने तो लिखा था कि हिंदू देवी देवताओं के स्वरूपों से परिचित कराने वाला सबसे पहला काम गीता प्रेस ने किया है। चलिए आपका अब हम चल के प्रेस देखते हैं जी, क्योंकि आपका बहुत मॉडर्न प्रेस है अब तो। हाँ प्रेस तो छोटी सी मशीन से शुरू करके जी जी। So how many titles do you print here? Yeah. How many titles do you print? जितनी पुस्तकें हमारी छपती लगभग 1800 तरह की पुस्तकें छपती हैं, तो सबके टाइटल्स और सबके चित्र लगने वाले यही छपते हैं जी। And I noticed that you do other languages also, not just Hindi. जी जी, 15 भाषाओं में हम छाप रहे हैं। 15 languages. जी जी. All Indian languages. तेलुगु है. जी. तेलुगु है. जी. हाँ. और तेलुगु, तमिल. तेलुगु तमिल पंजाबी गुजराती मराठी। अच्छा गुजराती मराठी सब में है। हाँ, सारे मैंने सुना भगवत गीता आपने उर्दू में भी छापी है। उसकी डिमांड है कुछ? हाँ लोग पढ़ते हैं, हमको दो संस्करण हमारा बिक चुका है, तीसरा संस्करण हुआ है, दो एडिशन बिक गए उर्दू तीसरा हुआ है। सर ये बताए कि आपके बिल्कुल पड़ोस में अयोध्या है, वहाँ बहुत दिनों से एक मूवमेंट चल रहा है कि राम जन्मभूमि है, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद भी थी वो तोड़ी गई, आपका उसके बारे में क्या विचार है? हम लोगों का
इस बारे में कोई सोचा भी नहीं हम लोगों ने। और हम लोगों का जो है मंदिर अगर था वहाँ तो मंदिर बनना चाहिए बस। अगर था वहाँ मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन ये कौन फैसला करेगा कि मंदिर था या नहीं? कोर्ट करेगा, जो गवर्नमेंट जिसको माने वही मान्यता, हम लोग गाने से तो कोई मान्यता मिलेगी नहीं। क्या तो गवर्नमेंट को आपका क्या आपका व्यक्तिगत सोच क्या है? क्या क्या चीज आपका व्यक्तिगत सोच क्या है कि मंदिर था वहाँ पे? व्यक्तिगत तो यही समझ में आता है देखने में सुनने में कि मंदिर था पहले, उसके जो चीज़ें मिली हैं उससे लगता है कि मंदिर था पहले वहाँ पर, तो एक और बनना चाहिए वहाँ पे। आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है इसके बारे में? देखिए, व्यक्तिगत सोच ये है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है तो अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तो होना ही चाहिए। और मस्जिद होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, मस्जिद ना हो ऐसा कोई विचार नहीं है, मस्जिद हो ना हो अलग बात है, लेकिन जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ वहाँ एक भव्य मंदिर होना चाहिए। तो आप बढ़ाए जाए, आपके मेरिटोरियल टीम से मैं मिलूंगा वाराणसी में, आपके एडिटर साहब से। हाँ, ठीक है, वहाँ मिले उनसे, बहुत जानकारी उनसे मिलेगी। और शास्त्र संबंध जितने प्रश्न हैं वो उनसे करेंगे, उनसे करेंगे बिल्कुल, और उसका बहुत अच्छा निदान आपको वो दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। अग्रवाल जी, आपने समय निकाला इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।